शेडो से है और अलग अलग संस्थाओं से हैं, CYC से हैं, काफ़ी सारे लोग हमारे हमारे साथ यहाँ पे हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कहानी हम सुनेंगे, तो कहानी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, वो मैं सूचना आपको देता हूँ। जो जो भी लोग कहानी सुनाने जा रहे हैं अभी हमको, उनके पास अपना एक टाइटल है जो उनकी कहानी से मैच करता हुआ है। करेज की, साहस की कहानी, जैसे स्टोरी ऑफ करेज, स्टोरी ऑफ स्केल, स्टोरी ऑफ रेजिलेंस, स्टोरी ऑफ सोल्स, ऐसे इनके पास सबके पास अपने टाइटल हैं जो एक सीक्रेट है जो आपको रूम के बाहर, जब हम कहानियों के बाद जब पहुंचेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा, और वो टाइटल उनको पता है जो हम वहाँ पे ओपन करेंगे। तो कौन सी कहानी करेज की है, कौन सी रेजिलेंस की है, कौन सी भावनात्मक है, सोलफुल है, कौन सी स्केल की कहानी है, वो हम आगे चल के बात करेंगे। तो आ, आ, सबसे पहले तो आ, मैं हमारे साथ अरुण भाई हैं, रुबीन है, नदीम है और दीपांत्री हैं। तो सबसे पहले हम अरुण भाई को रिक्वेस्ट करेंगे। अरुण भाई के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अरुण भाई अरुण सातलकर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में रहते हैं, जो राजस्थान से लगा हुआ है, जहाँ पे बाल विवाह की एक बड़ी चुनौती है और कई समय से वो काम कर रहे हैं, और चाइल्ड लाइन में बहुत उन्होंने काम भी किया है नो डाउट, और वो बहुत उस तरह से पूरे क्षेत्र में सघन तौर पर लगे हुए। पर कोविड में उन्होंने अपनी खुद की कुछ कोशिशें की हैं लोगों को साथ लाने की, रिलीफ की। तो अरुण भाई को हम सुनते हैं। अरुण भाई आप हैं यहाँ? हाँ रितेश भाई, मैं बिल्कुल साथ में हूँ। हाँ, ग्रेट। तो एक लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाह रहा था कि जी, मैं व्यक्तिगत जो भी हमारा बात है वो तो नहीं है, कुल मिला के हम सब साथ में थे और साथ निर्भर हैं। तो ये आज जो हमारी कहानी है वो मनीष शेयर कर रहे होंगे। हाँ ग्रेट ग्रेट, चलेगा ठीक है। तो चलेगा, क्योंकि अहिंसा अहिंसा एक अहिंसा खुद भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो उसमें मनीष भाई हैं, अरुण भाई हैं, और भी काफी सारे लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं। तो बिल्कुल चलेगा। तो हम कुछ समय लेते हैं और अरुण भाई के साथ सुनते हैं कि कोविड के दौर में क्या वो काम उन्होंने किए और कैसे वो हमारे लिए भी सीखने की बातें हैं। अरुण भाई, मनीष भाई, हेलो, सभी को नमस्कार। मैं मनीष हूँ, राजगढ़ से, और हमारी जो संस्था है अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा मेरा लॉकडाउन के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि मार्च 2019 में पहला लॉकडाउन लगा था, लगभग 22 मार्च को। तो इससे पहले एक दिन का लॉकडाउन लगा था। तो हम लोग वैसे तो इमरजेंसी सेवाएं कर रहे थे, चाइल्ड हेल्पलाइन साथ में चल रहा था हमारा, और विभिन्न अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन क्या हो, जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के 2 दिन निकले थे, और दो पुलिस वाले से मेरा संपर्क हुआ था कि पुलिस वाले हमें जानते हैं कि चाइल्ड हेल्पलाइन वाले है और कोतवाली पुलिस राजगढ़ में लगती है। तो दोनों पुलिस वाले ने हमने मिलकर, पहले से हम लोग क्या करते हैं कि स्लम बस्ती या गरीब बस्तियों में जाया करते, तो दो पुलिस के सहयोग से हमने यहाँ पे लोगों को खाना बांटना शुरू किया। मतलब उनकी समस्याएं समझी कि आज अगर इनके साथ, 2 दिन पहले समस्या थी कि इनको खाना नहीं मिलता था, इनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। तो फिर हमने उनको जाके देखा वहां पे, और उनको खाने की व्यवस्था हमने हमारी संस्था अहिंसा है चाइल्ड लाइन के माध्यम से, और अन्य जैसे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, नगर पालिका है, और अन्य वॉलेंटियर है, SDM का सहयोग रहा था, तहसीलदार का सहयोग रहा इसमें, और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के सहयोग से हम लोगों ने खाना उनको वितरण चालू किया। लेकिन इसी बीच में हमें डर इस बात का हो गया कि पता नहीं इस 17 दिन के लॉकडाउन में कि अब क्या होगा। बड़ी टेंशन हो गई कि पता नहीं लोग, अपने आसपास के लोग मर रहे, अपने को पास नहीं आने दे रहे। लेकिन फिर भी मन में एक वो आया कि ख्याल आया कि नहीं, अपने को क्यों ना मदद करनी चाहिए लोगों, क्योंकि काफी परेशानी में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसी के साथ फिर हमने 17 दिन तक लोगों को फर्स्ट लॉकडाउन में खाना भी बांटा है। तो हमने क्या करा कि इसी बीच में लगभग 47,000 पैकेट लोगों को खाना बांटा। इसमें हमें पुलिस का विशेष सहयोग रहा, नगर पालिका का सहयोग रहा, और हमारे वॉलेंटियर्स का सहयोग रहा, और SDM तहसीलदार का यहाँ पे हमें स्थानीय सहयोग मिला। इसके साथ में हम लोगों ने
पूरे कोविड कार्यकाल के दौरान लगभग 700 राशन किट, सूखे राशन किट हमने वितरण किए। इसमें हमने विभिन्न संस्था अलग अलग, इसमें कम्युटनी से सहयोग मिला, हमें गोंजी से सहयोग मिला और प्रत्येक संस्था है उससे सहयोग मिला और चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन का हमें सहयोग रहा और स्थानीय जो हमारे स्रोत थे, नगर पालिका है, पुलिस है, समाज से भी लोगों ने काफी सहयोग करा। तो हमने लगभग 700 सूखे राशन किट गरीब लोगों को हमने वितरण किए। इसमें क्या विशेष चार पांच हमारे थाने थे, जैसे भोजपुर है, कोतवाली है, ब्यावरा सिटी है, इन थानों के सहयोग से हमने काफी गरीब बस्तियों तक और इन गरीब तबके के लोगों तक हमने खाना और सूखा राशन पहुंचाया। इसी के दौरान हमने, डर भी भरा हुआ था कि पता नहीं क्या होगा, इसी बीच में एक हमें ऑटो गैरेज वाले, जो इनका ऑटो गैरेज बंद हो गया था, जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले, उनने हमारी मदद करी, वो खाना पहुंचाने में वो लोग मदद करते थे। लेकिन एक कहानी एक ऑटो गैरेज वाले की थी, वो भोपाल से राजगढ़ में फंसा हुआ था और वो लगातार 8 दिन तक हमारे साथ खाना वितरण करवा रहा था स्थानीय पुलिस के सहयोग से। अब क्या, 8 दिन तक उसने हमारे साथ खाना बंटवाया और एक दिन उसको लास्ट में उसने बताया कि मेरे घर पर खाना खत्म हो गया और मेरे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे पापा भूखे है। मतलब इतना इमोशनल कर दिया उसने कि वो पुलिस वाले ने खुद ने उसको 1,000 रुपए देके, हमने 20-20 किलो गेहूं और चावल देके उसके घर पे खाने रख के राशन व्यवस्था कराई, लेकिन उसने फिर भी मतलब वो लोगों की मदद करता रहा हमारे साथ में मिलके। और इसी के दौरान फिर सेकंड लॉकडाउन जब लगा तो प्रवासी मजदूर के बाहर से मजदूर आ रहे, अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे थे वहां पे जा रहे, उनको लिए फिर हमने लगातार खाने के साथ साथ उनको स्थानीय में जो जिला प्रशासन हमारी स्थानीय प्रशासन के साथ में पुलिस के सहयोग से उनको उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया। ये काम लगातार हमारा चलता रहा और इसमें काफी हमें भी टेंशन हुई। हमारे एक साथी को तो ये चौराहे पे पुलिस वाले ने ऐसा मारा था, बाद में उसने बताया कि मैं तो चाइल्ड हेल्पलाइन वाला हूँ, तो पुलिस ने बोला कि बताना था तेरे को पहले, नहीं तो नहीं मारते। मतलब काफी, और मेरे को खुद को एक दिन डंडे की मारने नहीं वाले थे, लेकिन मैंने मुंह खोल लिया, मास्क निकाला, तब मैं बचा हूं। और इसकी इसी दौरान हमने लगभग 7,000 से 8,000 के बीच में मास्क भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए और सैनिटाइजर लगातार हमने ये सैनिटाइजर वितरण किए और गरीब तबके के जो लोग हैं, बाहर के लोग यहाँ पे प्रवासी मजदूर आए थे, उनको राशन कपड़े, इन सब सहयोगी संस्थाओं के साथ में मिलकर किया। ये हमारे लिए सबसे टेंशन वाली बात थी कि जब सेकंड लॉकडाउन में लोग, आसपास के लोग मर रहे हैं, कि बार बार खबरें आती है कि आज वो व्यक्ति मर गया, आज वो व्यक्ति मर गया, उनके डेड बॉडी नहीं मिल रही, इस समय हमारे लिए भी टेंशन ये बढ़ गई थी, पता नहीं क्या होगा, ईश्वर ही इस समय रखवाला है। फिर भी हमने गरीब और स्लम बस्तियों के लिए, प्रवासी लोगों के लिए लगातार हम मदद में जुटे रहे और काफी इमोशनल भी हुए। हमारी बहुत चिंताएं भी थी, परिवार को चिंताएं थी, साथ में हम खुद एक दूसरे की चिंताएं करते थे और इस सब बीच में हमने लोगों की मदद करा, वो काफी अच्छा भी लगा। और उस समय मतलब इतना सोचते कि किसी की मदद करने के बाद में कि नहीं, बहुत अच्छा किसी गरीब की मदद की, तो खुशी भी होती थी। और इसमें मैं थोड़ा और मेरा चैलेंज बताना चाहता हूँ कि चैलेंज में काफी हमारे 3-4 साथी थे जो कि लॉकडाउन में मतलब इतनी टेंशन हो गई थी, उनने दो एक ने तो नौकरी भी छोड़ दी थी कि चलो हम तो नहीं करेंगे काम, फिर भी हम लोगों ने लगातार मिलके जुटे रहे। और इसी बीच में हमने 40 पौधों को पानी देके बड़ा भी किया, इनके साथ में खाना भी बांटते थे, साथ में पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ इतना सारा काम किया राजगढ़। थैंक यू वेरी मच मनीष भाई, थैंक यू वेरी मच अहिंसा, थैंक यू वेरी मच अरुण भाई। और मैसेज में जरूर आपके लिए बहुत सारी बातें आने वाली होंगी, आप लोग कुछ लिख सकते हैं सारे लोग। बहुत सारे हमारे युवा साथी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, राजगढ़ से काफ़ी साथी हैं जो इसका हिस्सा रहे हैं। ये सही बात है कि इतने सारे लोग, हमारे पास 45 लोग हैं, थोड़ा मुश्किल होगा सबसे बात करना तो, पर हाँ आप चैट पे जरूर लिखें कि मनीष भाई ने जो बातें साझा की हैं वो कैसी लगी। और इसके बाद हम क्विक आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिनसे जब मैं बात कर रहा था तो मीटिंग हम इससे पहले कर रहे थे, तो मुझे बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग तो है ही डेफिनेटली, पर जो सोलफुल हम बात कर रहे हैं, जो अंदर से एक फीलिंग्स आना इसके लिए करने का और कलेक्टिवली उसको करना, वो जरूर इस बात से मुझे समझ में आई। अगर रिक्वेस्ट है मेरा म्यूट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर म्यूट कर लेंगे तो अच्छा होगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और
रुबीन है हमारे साथ जो मुंबई से हैं, और जैसे मैंने बताया कि रुबीन से हमने काफी बातें की उस दिन, काफी पेनफुल कंडीशन में थे, उसके बाद भी हमने बात की रुबीन से। रुबीन मुंबई से हैं और खाना चाहिए इनिशिएटिव के बारे में आज आपको सुनने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत होने वाली है रुबीन से। रुबीन आपका स्वागत है, आप हमारे युवा साथियों के साथ और हमारे साथ प्लीज शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, थैंक यू ये मौका देने के लिए। मैं खाना चाहिए संस्था से हूँ। मैं हिंदी में बात करूंगा, चल जाएगा थोड़ा, या मिश्रण इंग्लिश इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स, ठीक है? चलो कोई बात हिंदी नहीं, में करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। नो प्रॉब्लम, मैं हिंदी में बात कर लूंगा। नमस्ते, मैं खाना चाहिए फाउंडेशन से आता हूँ। हमारी शुरुआत लॉकडाउन में ही हुई, क्योंकि जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो बहुत सारे लोग जहां थे वहां अटक से गए थे, और हम तो घर में थे। पहले 2-3 दिन हमें काफी कॉल्स आने लगे, क्योंकि हम इसके पहले भी हम सोशल एक्टिविटीज करते रहते थे, तो ये कॉल्स आ रहे थे कि बहुत सारे लोग भूखे हैं, और जो वर्किंग क्लास हैं, जो वर्कर्स हैं, जो डेली वेज वर्कर्स हैं, यानी जो रोज काम करके अपनी दिहाड़ी कमा करके अपने को जो लाते हैं, ये तबके के लोग, चाहे वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हो, या फिर रस्ते पे हो, या फिर पूरे मुंबई में लोग फंसे पड़े हैं और उन तक खाना नहीं पहुंच रहा, तो ये कोई हमारे पास जरिया नहीं था कि ये वेरीफाई करें, कि वैलिडेट करें कि सच में परिस्थिति कैसी है। तो हम में से कुछ लोग साथ में आए, मेरे साथ मेरे बाकी के साथी स्वराज अनिक मेरे दोस्त थे, राकेश भैया, एडवोकेट राकेश सिंह मेरे बड़े भाई की तरह है, और कुछ लोग तो ऑनलाइन जुड़े, नीति गोयल जी जो रेस्टोरेंटर है, और हमने एक थोड़ा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और हमने ये डिसाइड किया कि 29 मार्च को हम 1200 मील लेके जाएंगे। मुंबई में एक बहुत बड़ा एक रास्ता है जिसे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं, 25 किलोमीटर लंबा है, ये बांद्रा में शुरू होकर बोरिवली तक जाता है, तो हम वहां पे गए और हम जो ब्रिज के नीचे या फुटपाथ के ऊपर जो लोग रहते हैं, हम वहां पे गए और हमने उन तक खाना पहुंचाया, और ये पूछा कि आपको कि आपने कितने दिनों से खाना नहीं खाया, तो तब पता चला कि लोग 3-4 दिन से बेसिकली भूखे थे। तो एक तो जो हमने सोचा था, हमारे सोच के नॉइज कोई आवाज आ रही है, सॉरी, तो जितना हमने सोचा था, हमारे सोच के सोच से ये सिचुएशन जो थी और भी बदतर थी, द सिचुएशन वाज मच वर्स। तो हम जब खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो पहली स्टोरी ये है, मुझे आज भी याद है कि जब हम पहले परिवार से मिले थे, कुछ 8-10 लोग थे, और रस्ते के वो एक साइड पे था, और उन्होंने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, लेकिन हम जब वहां पे हम उनको जब खाना दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमसे पहले वहां पे रस्ते के वो साइड में, जो यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा, वहां पे कुछ लोग हैं, वहां पे बच्चे भी हैं, उन्होंने भी 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, क्या आप वहां पे पहले दे सकते हैं क्या? तो ये हमें छू सी गई कि ये लोग जो लिटरली उनके पास पैसे नहीं थे, लिटरली उनके पास 3-4 दिन से उन्होंने खाया नहीं था, लेकिन वो इस भी अवस्था में अपने आसपास के जो जरूरतमंद है उनकी ये अगर सोच सकते हैं, तो अपने आप में ये एक मिसाल की बात है। तो सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, टू डू चैरिटी यू डोंट नीड बिग मनी, यू नीड अ बिग हार्ट। तो आपको अगर अच्छा काम करना है, तो बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए आपको, आपको केवल एक अच्छा दिल चाहिए। तो हमने
मेरी आवाज, हाँ हाँ ठीक है, अरे सॉरी, हाँ तो हमने शुरुआत की उस दिन से, और उस दिन से लेके आज तक हमने 70 लाख मील, यानी 7 मिलियन मील, 70 लाख मील हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद और एक स्टोरी है कि जब माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो जब चल के जा रहे थे रस्तों पे, तो हम मुंबई के जो 3 मुख्य आने जाने वाले पॉइंट्स है, एक है दहीसर गुजरात की तरफ, एक है वाशी बैंगलोर की तरफ, और एक है थाने उत्तर प्रदेश की तरफ। यहाँ पे हमने शुरुआत की, और हमसे ये देखा ही नहीं गया कि लोग के जेबों में पैसे नहीं है, लोग के पास परिवार है, महिलाएं बच्चे बूढ़े सारे लोग कैसे भी करके चले जा रहे थे। तो जब सरकार ने ये घोषणा की कि हम बस अरेंज करेंगे, हम ट्रेन अरेंज करेंगे, तो इनके पास उन्होंने खाने का कुछ इंतजाम नहीं किया। हमने उनसे पूछा तो हमसे जितना हुआ हमने किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेन का उन्होंने फैसिलिटी क्रिएट किया था, ये श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में कोई पैंट्री नहीं थी। पैंट्री का मतलब किचन होता है। आप अभी नॉर्मली जब ट्रेन में जाते हैं, अगर आप मुंबई से जा रहे हो उत्तरी भारत में या उत्तर पूर्वी भारत में, जैसे बिहार झारखंड उड़ीसा इत्यादि, एटलीस्ट कम से कम 1.5 से 2 दिन लगता है। और अगर आपकी ट्रेन में अगर पैंट्री नहीं है, आपके खुद के पास जो है पैसे नहीं है, आपके खुद के पास खाना नहीं है अपने आपका, तो आप 1-2 दिन आपके परिवार सहित आप क्या खाओगे। तो हमने अगेन, हम कुछ लोग साथ में आए, हमने ये खाना चाहिए मूवमेंट की शुरुआत की, और हमने प्रशासन से संपर्क करके ये कहा कि ठीक है, आपसे अगर नहीं होता तो हम कर लेंगे। ये भूख भूख का प्रश्न है, और भूख के लिए हमें जो करना पड़े भूख मिटाने के लिए हम करेंगे। हमने मुंबई में 4 स्टेशन है, 4 स्टेशन से हमने 3 स्टेशन, जो VT स्टेशन है सबसे बड़ा, उसके बाद बांद्रा स्टेशन, और उसके बाद तीसरा स्टेशन कुरला स्टेशन, यहाँ पे हमने 284 ट्रेन, यानी 284 ट्रेन में हमने 6.5 लाख प्रवासी मजदूरों को खाना पहुंचाया। तो यही चीज है दोस्तों, कि खाना चाहिए अभी भी भूख पे काम करता है। हम एक हंगर मैप की संकल्पना कर रहे हैं, जो पूरे मुंबई में जो जरूरतमंद है ये बताएगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग ये भूख को बहुत सारे लोग ये सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, हम हमारे बबल्स में जो रहते हैं। तो यही चीज है कि अगर काम आपको करना है, और अगर आप इस काम को कंसिस्टेंटली करें, एक टीम के साथ में करें, लोगों को साथ में ला के करें, तो आप स्केल पे आप ये इम्पैक्ट कर सकते हैं। आखिरी चीज ये कि जो लोग हमारे वॉलंटियर्स थे, हमारे पास कुछ 300 के करीबन वॉलंटियर्स थे, जिनमें से कुछ 200 लोगों को मैं जानता भी नहीं, और लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन लोगों ने 3 महीने काम किया। तो आई थिंक ये हमारी स्टोरी है, आशा है। थैंक यू वेरी मच रुबील भाई, थैंक यू। और काफी लोगों ने आपको मैसेज किए हैं, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पे चल रहा है, बातचीत चल रही है, और फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुश्किल है थोड़ा सभी लोगों से बातचीत करना। तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्विकली, क्योंकि समय भी दौड़ रहा है सभी का। तो हमारे बीच में जो दीपांतरी हैं, जो मुखिया हैं टेटला पंचायत की, और ये पीपल फॉर चेंज से जुड़ी हुई हैं। कोविड में इन्होंने काफ़ी काम किया है पीपल फॉर चेंज के साथ, अपने समुदाय में, अपने क्षेत्र में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएं और अपनी कहानी साझा करें। दीपांतरी जी, रुकिए थोड़ा सा। नमस्ते सर, थोड़ा सा मेरा गला बैठ गया है ठंडा गर्मी के चलते। मैं दीपांतरी सरदार, मैं तेतला पंचायत की मुखिया हूँ, और पोटका ब्लॉक है, पूर्वी सिंहभूम झारखंड की हूँ मैं। जब पहला कोविड आया, ऐसे तो सुन ही रहे थे बाहर बाहर की कोविड आ रहा, क्या करना होगा क्या नहीं।
तो सब पूरा मतलब रूरल क्षेत्र में पूरा हलचल मची है कि सब बोलते हैं कि गांव के इधर तो नहीं आएगा, गांव में हो ही नहीं सकता है, सब हम लोग एकदम कड़ा मेहनत करने वाले लोग हैं तो इधर अटैक नहीं होने वाले हैं ना। तो वो जब ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, जब यहाँ का स्थिति पूरा बिगाड़ने लगा, हर किसी को बुखार, हर किसी को सर्दी जुकाम कंटिन्यू होने लगा, तो लोगों में थोड़ा सा भयभीत होने लगे लोग। तो उस समय मैं मेरा एवं मेरा टीम जो है पंचायत के टीम प्लस पीपुल फॉर चेंज के द्वारा जो भी हम लोग काम किए उसको मैं साझा कर रही हूँ कि जब पहला कोविड शुरू हुआ तो पहले हम लोग सोचे कि भाई जो आपदा आती है तो हम लोग जानते हैं कि जब बाढ़ आया तब बोलते हैं आपदा, कुछ बीमार बहुत जैसे पहले सुना करते थे कि कोलेरा आया तो ये आपदा है, फिर ओलावृष्टि हुआ बहुत ज्यादा तो फिर आपदा में कभी सोचे भी नहीं थे कि इस तरह का बीमारी आएगा और पूरा मतलब पूरा संसार को उड़ा के लेके चल जाएगा। इतना देर मतलब 3 साल तक हम लोग जैसे झेलने का जो लड़ने का जो हम लोगों में क्षमता आया ये तो अवेयरनेस के चलते ही आया है ना। तो उस दौरान हम लोग जो मिल के काम किए इसमें जब शुरू में यहाँ पे शुरू हुआ तो मेरे पंचायत में सारे लोग यहाँ पे बहुत सारा युवा लोग भी रहते हैं, इसमें सारा चीज एक्टिविटी होता है, जैसे पढ़ाई में भी काम करते हैं लोग और यहाँ का जो भी सोशल वर्क है अपना पंचायत का तो 8-10 लड़का यहाँ पे सब जुड़े रहते हैं। तो जैसे कोविड आया, कोविड आने के दौरान लोगों का मन में थोड़ा सा डर होने लगा कि भाई अगर हम पंचायत जाएंगे तो हो सकता है कि मेरे को भी कोविड हो, तो इसीलिए सब आस्ते आस्ते धीरे धीरे यहाँ का जो स्थिति हुआ कि हम पंचायत नहीं जाएंगे, पंचायत अगर जाएंगे तो मेरे को भी कोविड आएगा। तो उस दौरान हम लोग अपना हौसला नहीं हारे, उसमें सारे लोग को अवेयरनेस करने लगे कि इस तरह का अगर हम लोग हारेंगे तो आगे हम लोग को जो सुरक्षा देना है लोगों को कैसे दे पाएंगे, तो हम लोग आस्ते आस्ते सब मिल के अवेयरनेस करने लगे। इसमें मेरा बहुत सारा सहयोगी दल है जो कि एक एनजीओ है पीपुल फॉर चेंज तो है ये है, युवा है, टाटा स्टील है, समय की जन विकास केंद्र है। तो मेरा पहले से भी मतलब कोविड के पहले से ही बहुत सारा लोगों के साथ मेरा सबके साथ मिल के मैं काम करती हूँ। तो जैसे कोविड आया तो मैं सबसे गुहार करने लगी कि आप ये चीज मदद कर देना होगा, वो चीज मदद कर देना, राशन में किसी को बोले कि अगर बच्ची है तो उसको दूध के लिए कर दीजिए, किसी को बोले सूखा राशन के लिए, किसी को बोले कि कुछ जैसे बाहर से आएंगे जो प्रवासी मजदूर वो लोग के लिए रहने का व्यवस्था, जो सैनिटाइजर है, पेड है, ये सारा चीज सब जितना भी एनजीओ मेरे अंडर में मेरा पंचायत में काम कर रहे हैं सबके साथ मिलके हम लोग बात किए। बात करने के बाद जितना भी लोग आने लगे प्रवासी मजदूर सबको हम लोग देने लगे। और यहाँ पे मेरा यहाँ जो है पंचायत भवन पूरा क्षेत्र का मतलब पूरा पोर्ट का ब्लॉक तो है ही है, लेकिन बाहर का भी जैसे दूसरा ब्लॉक का भी लोगों को हम लोग यहाँ पे रखे और रखने के बाद खाना खिलाए। खाना खिलाने के बाद फिर लोगों को सोने का भी व्यवस्था, 7 दिन का क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे रहा, सारा खाना का व्यवस्था हम लोग पंचायत की ओर से किए। उन लोगों को सारा सेवा फैसिलिटी जो भी नहाने से लेके सैनिटाइजर से लेके सारा चीज हम लोग मुहैया कराए। इसमें बहुत छोटा छोटा बच्चा भी आके यहाँ पे रहने लगे। एक कहानी मैं साझा कर रही हूँ, एक महिला जो प्रवासी थी जो बाहर से आई थी और उनका परिवार का एक सदस्य उनका पंचायत मेरा दूसरा पंचायत का है लेकिन उनका पंचायत में उनको रखा नहीं गया, उस जगह में वो लोग नहीं रखे, बोले कि अगर इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हम लोग का यहाँ सब मतलब पूरा पंचायत या तो गांव सब ग्रसित हो जाएंगे कोविड से, तो इसीलिए वो लोग नहीं रखे।
फिर मेरे यहाँ वो लोग गुहार किए कि भाई मैडम इस तरह का स्थिति है, तो हम लोग बोले, मैं खुद बोली कि भाई आइए यहाँ पे, हम रखेंगे यहाँ पे। तो उनको मैं हौसला बढ़ाई, और हौसला बढ़ाने के लिए 7 दिन उनको, 14 दिन यहाँ पे क्वारंटाइन में उनको रखे हैं हम। और सारा फैसिलिटी मेरे से जितना बन पड़ता था, खाने से लेके सोने तक पूरा 14 दिन का क्वारंटाइन सेंटर में मैं रखी। और चेकअप होने के बाद फिर आराम से उनको घर भेज दिया गया। ये क्वारंटाइन मेरा पंचायत क्वारंटाइन सेंटर था, इसमें चारों ओर से जितना भी प्रवासी मजदूर थे सब यहाँ पे आके रहने लगे। और ऐसा स्थिति हुआ था कि जो लोग यहाँ पे, जैसे कुछ पारी युवा लोग थे जो कि थोड़ा सा डरते थे, और लोग सारे लोग हम लोग को छोड़ के चल गए। तो कुछ हम लोग जैसे है गुरुचरण जी हैं, असित जी हैं, संजय जी, लाल जी, ये लोग सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस कोविड के दौरान उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा लोगों को मदद करने के लिए। हमारे पंचायत आप पानी ले लीजिए आप। जी जी, तो ठीक है। हाँ, काफी इंस्पायरिंग बात है। और तो मतलब बहुत सारा चीजों का सामना करना पड़ा, और पीपुल फॉर चेंज के द्वारा भी बहुत सारा राशन आपका गला बैठा हुआ है, आप मत ज्यादा, आप इतना आपने कह दिया काफी है, बहुत सारी बातें आपने कह ही दी हैं। आप इस दौरान एक बात छूट रहा है कि उस दौरान हम लोग पीपुल फॉर चेंज के साथ जो भी स्कूल छूट जा रहा था, स्कूल के बच्चा लोग पढ़ाई से छूट जा रहे, वंचित हो जा रहे हैं, तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग करा के फिर एक जगह दूर दूर में बैठा के उन लोग को शिक्षा भी हम लोग देने का काम किए। साथ साथ राशन, सूखा राशन तो देते ही थे, और बाकी दूध और बहुत सारा ऐसा पौष्टिक तत्व भी है जो कि हम लोग काम करना शुरू कर दिए थे। तो बोलने का तो बहुत सारा मैं बोलती हूँ, लेकिन मेरा गला हमको साथ नहीं दे रहा। इतना काफी है, आपने काफी कह भी दिया, और गला बैठा होने के बाद भी आप इतना कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शामिल हुई इस कार्यक्रम में, और इससे बड़ी बात है कि उस समय जब इस उम्र के लोग बिल्कुल घरों में अंदर थे, निकल नहीं रहे थे, और आप निकली और आपने ये इनिशिएटिव लिया, ये बहुत इंस्पायरिंग बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समय चूंकि आगे बढ़ रहा है तो हम चलते हैं, हमारे पास बहुत कम समय है और उस समय के साथ ही हमको चलना भी होगा। तो हम आगे चलते हैं, फिर हमें हमारे सेलिब्रेटर जो हैं मुरारी जी, इनको भी हम सुनेंगे। तो हमारे साथ हर्ष कल्याणा हैं, जो प्रभा से हैं, प्रभा के वॉलेंटियर रहे हैं, पर भोपाल में रहते हैं और समाज कार्य की शिक्षा ले रहे हैं, एनएसएस के सक्रिय वॉलेंटियर हैं। एनएसएस के एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं, राजकुमार वर्मा जी, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी एनएसएस को देख रहे हैं, तो वो भी इसमें शामिल हैं, अभी आज दर्शक के रूप में हैं। और तो हर्ष भाई, आपको इनवाइट करता हूं मैं कि हम आपके पास 2-3 मिनट हैं, आप प्लीज साझा करें बहुत सारे प्रयास जो आपने किए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर और राशन के सारे, प्लीज। क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? हाँ बिल्कुल। नमस्कार सभी को। अभी क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड समय है तो आवाज एकदम साफ नहीं आ रही है आपकी। आपकी आवाज कट रही, मतलब कम आ रही है। जी हर्ष भाई, आप दूर बैठे हैं, शायद आप दूर बैठे हैं। आपकी आवाज नदीम जी, आपको आ रही है क्या क्लियर, या सिर्फ मेरे पास इशू हो रहा है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आवाज
हाँ आ रही है पर बहुत कम आ रही है, मतलब समझ में नहीं आएगी। मुझे लग रहा है वो मुखौटे की वजह से आवाज कम आ रही है। हाँ हर्ष भाई फिर से बोल के देखेंगे या ये मुखौटा हटा के बात करें? हाँ आप बोलिए, कोशिश करते हैं। तो कोविड रही बात इस सफर की इस जर्नी की, बिल्कुल भी नहीं आ रही है हर्ष भाई, बहुत ब्रेक हो रही है। ओके तो हर्ष भाई आप एक कनेक्शन आप चेक करिए, एक बार देख लेते हैं हम आपकी स्टोरी तो डेफिनेटली सुनेंगे ही क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है आपके साथ भी और बहुत इंस्पायरिंग बात भी है। तब तक हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो हमारे सेलिब्रेटर के पास हम चलते हैं। हर्ष भाई अगर कुछ कहे, हर्ष भाई म्यूट है आपका, अगर आप आवाज़ क्लियर आ रही है। हाँ मेरी आवाज आ रही है क्या? अब एकदम साफ है। हाँ वो दरअसल मेरा एक साथी था जो चाह रहा था कि मेरी तरफ से वो कहानी को बताए। खैर शायद हो सकता है कि वो बोल रहा हो तो वो कोई समस्या तकनीकी कुछ समस्या आ रही हूँ, तो अभी उस साथी हाँ, को मैंने कहा कि भाई तुम अभी रुको। हाँ अब क्लियर हूँ। हाँ हर्ष भाई हमारे पास थोड़ा सा समय के लिए मैं माफी चाहता हूँ। समझ रहा हूँ वो समय की अपनी एक सीमा है, तो मैं बहुत कम समय लेते हुए बस पहले तो मैं अपने साथी को माफी मांगता हूँ कि मैं उसको मौका नहीं दे पाया। और खैर शुरू करते हैं अगर सफर की बात, तो मेरा नाम हर्ष कल्याण है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और पिछले काफी समय से मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के मंच से जुड़ा हुआ हूँ और भोपाल में काफी सामाजिक संस्थाओं के साथ भी काम करता हूँ। अब जब कोविड का पहला वेव आया, कोविड के पहले वेव में तो हमने जो चीजें हो सकती थी हमसे कि एनएसएस वॉलंटियर के नाते हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे थे ऑनलाइन, फिर हम थोड़ा फील्ड पे भी आए थे जब हमें फील्ड पे आने का मौका मिला था, फिर हम एनएसएस के साथ जिला प्रशासन के साथ अवेयरनेस कर रहे थे। लेकिन जब पहला वेव जाने के बाद जैसे ही दूसरा वेव आया और दूसरे वेव में चल ही रही थी, क्या पहले वेव में बताना चाहूंगा कि पहले वेव में मैं मेरे कुछ दोस्त, मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त थे और बाकी के मेरे जो दूसरा एक फ्रेंड सर्कल था, हम लोग मिलकर फूड डोनेशन कार्यक्रम कर रहे थे। क्योंकि फूड डोनेशन हम आज से नहीं पिछले 6-7 साल से मेक योर संडे स्पेशल नाम से एक इनिशिएटिव चलाते हैं, तो हम उसके तहत हर संडे फूड डोनेशन करते हैं पूरे सिटी में, भोपाल सिटी में। तो हम कोविड में भी उसी तरीके से कर रहे थे। अब क्योंकि जब सेकंड वेव आया तो सेकंड वेव में चीजें थोड़ी सी क्रिटिकल होने लगी थी, हमारा फूड डोनेशन का प्रोग्राम चल ही रहा था और हम जो फूड डोनेशन कर रहे थे कुछ इस तरीके से हमारी चीजें चल रही थी कि हम हॉस्पिटल्स के बाहर जो पेशेंट्स के साथ जो अटेंडर रहते थे उनको फूड्स प्रोवाइड करते थे। कई ऐसी बस्तियां थी जहाँ पे लेबर क्लास के लोग रहते थे, तो वहां पे भी हम चीजें उनको मुहैया करवाते थे फूड के साथ। कई बार कुछ लोग हमसे जरूरत का सामान भी मांगते थे तो कोशिश करते थे कि दे सकें, क्योंकि पूरा प्रोग्राम हम एक तरीके से खुद के जो जितना सेविंग्स था उसी से चला रहे थे। अब थोड़ा बहुत हम सबको अपने अपने परिवार से मिल जाया करता था। अब जब थोड़ी सी चीजें एक ऐसे पड़ाव पे आने लगी कि हम सभी के लिए भी घर में रहना भी जरूरी था, पाबंदियां लगने लगी और अचानक से ये देखने को मिली एक अजीब सा माहौल सा बन गया है और हाहाकार मचने लगा है। दवाइयों की कमी है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है और कई सारी चीजों का सामना था कि लोगों के अंदर कहीं की मानवता है, वो करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर है। और एक चीज और थी कि जिनके पास है वो
उसी उस मतलब आपदा को अवसर में बदलते हुए उन चीजों का फायदा उठा रहे हैं, डबल रेट में ज्यादा पैसे में चीजें दे रहे हैं। तो मेरे साथ के मेरे बैच के कुछ एनएसएस वॉलंटियर्स थे, उन्होंने मिलके और मैंने मिलके ऐसी एक दिन एक वीडियो कॉल पे हमने बात करा कि देखो यार ये तो फूड डोनेशन हमारा चल रहा है जब तक चल रहा है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कुछ और चीजें भी कर सकें। तो एक तो हमारे मेडिकल फील्ड के देखो हम दवाइयों से मदद कर सकते हैं, यहाँ से हम इस तरीके से जितना हमसे हो सकता है एक जो चीजें हैं। तो फिर जब दवाई जहाँ नीड होती थी वहां पे हमने शुरू करा। अब मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहूंगा मेरी कहानी की, शायद मैं थोड़ा सा आगे निकल गया क्योंकि समय की एक पाबंदी है, तो वो शायद जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में या जल्दी बताने के चक्कर में आगे जा रहा हूँ। तो मुझे याद है कि हमने शुरू कुछ इस तरीके से किया था कि पहले हमारी जब बात हो रही थी वीडियो कॉल पे, तो हमने ये देखा था कि हम काम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि एक बड़ा मंच और मुश्किल से हम 12-13 लोग हैं और कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हैं, जैसे इटारसी में भी थे, फिर हमारे साथ एक दो जगह से और जुड़े थे, एक साथ ही हमारे साथ विशाल हरदा से थे और भी ऐसे कई सारी जगहों से थे, इंदौर से थे। तो जब हम सब ने अपने अपने लेवल पे बात करना शुरू करी तो फिर हमने ये डिसाइड करा कि हम डेली अलग अलग जगह पे कॉल करके पूछेंगे हॉस्पिटल्स में और जो सोशल एनजीओज और काम कर रहे हैं उन जगह पे कि आपके पास अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप हमें बता दीजिए, हम एक दूसरे से समन्वय करके काम कर सके। तो हम डेली सुबह पता करते थे ऐसे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ से हमको खबर मिलती थी कि यहाँ की कमी है, और फिर बस कारवा धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। तो हमारे पास कुछ केसेस आए, मैं थोड़े थोड़े एक एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा। जैसे जब ऑक्सीजन नहीं, जब सबसे पहले हमारे पास बेड का एक बहुत सारा क्राइसिस आया था, तो हमको ये देखने मिला था कि मुझे याद है इटारसी का वो केस, जब इटारसी में पूर्वी नाम की एक लड़की थी, वो खुद भोपाल से पढ़ के निकली और पूर्वी की पिताजी पहली वेव में उनकी डेथ हो गई थी और पूर्वी की माताजी थी और एक छोटा भाई था। तो पूर्वी, उसका छोटा भाई, उनकी माताजी हॉस्पिटल में है और पूर्वी का किसी तरीके से पूर्वी तक हमारा नंबर पहुंचा। पूर्वी ने हमारे एक साथी रोहन को कॉल किया, हमें इस जगह पे बेड की आवश्यकता है, क्या आप करवा सकते हैं, हमें आपका नंबर मिला है जगह से, किसी ने दिया है। तो हमने बात करी पूर्वी से और शायद हमें उस दिन बेड की इतनी समस्या थी कि हम लोग काफी, क्योंकि हमारा जितना सर्कल था जहाँ पे हमको जिस तरीके से कॉन्टेक्ट हो पा रहा था, हमने बहुत प्रयास करा, हमें दो बेड मिले और हमने बोला वहां पे दो बेड है, आप जाके बात कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। पूर्वी बात करने गई और हमने जब दोबारा उनसे पूर्वी से बात करी कि पूर्वी क्या बेड आपको मिल गया है, तो पूर्वी कहती है कि सर अब बेड की आवश्यकता नहीं है, वो तो सो गई है। तो ये एक ऐसा पॉइंट था कि जब एक बेटी अपनी माँ के लिए बोल रही है कि मम्मी वो तो सो गई है और अब जरूरत नहीं है सर, और उसने फोन काट दिया। और सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग हमारे लिए ये था कि इसके ठीक 3 दिन बाद पूर्वी का हमारे पास कॉल आता है और पूर्वी हमसे ये कहती है कि मैं समझती हूँ कि ये सारी चीजें बहुत खराब चल रही हैं और ये समय बहुत अजीब सा है, लेकिन मैं ये देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझ पर खुद पे बीता है, तो मैं चाहती हूँ कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मेरे लोकल एरिया में जो जरूरत होगी आप मुझे भेजिए, मैं यहाँ पे खुद जाके बात करूंगी। और मुझे याद है बहुत अच्छे से कि पूर्वी ने आधे से ज्यादा इटारसी में जितने लोगों की मदद हो सकती थी वहां करी, चाहे वो दवाइयां हो, फिर चाहे वो ब्लड कोऑर्डिनेशन की बात हो, फिर चाहे वो बेड्स हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो या अन्य कोई सहायता की। और सेम ऐसे ही एक स्टोरी और है सताक्षी की। सताक्षी भोपाल आई थी उनके पेरेंट्स के साथ। सताक्षी का 9 लोगों का परिवार था और सताक्षी का हमारे पास कहीं से कॉल आया कि सर मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, अभी हमीदिया हॉस्पिटल में हूँ, क्या आप आ सकते हैं। मैं मेरे दो दोस्त रोहन और अभिजीत, हम ऐसे 3 लोग पहुंचे और हमने वहां जाके बात करी। उसने क्योंकि उसको बेड की नीड थी और हमने अरेंज, उस दिन इतना वो नहीं था लेकिन जैसे तैसे अरेंज हो गया। दूसरे दिन की बात है जब हम दोबारा, हमारा एक साथी फूड देने गया था रोहन, और मैं कॉल पे कोऑर्डिनेट कर रहा था क्योंकि मैं
यूपी में प्रवाह के साथ और दिल्ली में प्रवाह के साथ भी थोड़ा थोड़ा देख रहा था वहां पे भी। तो जब कॉल करके पूछा कि आज तुमको ऑक्सीजन की जरूरत थी, वो हो मिला कि नहीं सिलेंडर मिला, तो पूर्वी कहती है कि सर अब तो जरूरत नहीं है और पापा तो नहीं रहे। तो सबसे मुश्किल चीज ये थी कि एक तरफ एक लड़की के पापा नहीं रहे और वो इतने बहुत नॉर्मल तरीके से बोल रही है कि सर अब तो जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि शायद चीजें व्यक्ति के लिए बड़ी अजीब सी हो जाती हैं सिचुएशंस को टैकल करना। सबसे बड़ी बात ये थी सताक्षी के लिए, सताक्षी के लिए कि सताक्षी का सेकंड वेव में 9 लोगों का परिवार पूरा जा चुका था। सबसे मुश्किल ये था और उसे उसकी मम्मी बची थी। और उसी दिन शाम में सताक्षी का हमारे पास कॉल आता है कि सर मेरी मम्मी भी नहीं रही, क्योंकि उसके मम्मी और पापा दोनों को उस दिन बहुत बिजी थी। तो और एक हफ्ते बाद सताक्षी का हमारे पास कॉल आता है, क्योंकि सताक्षी उसके पूरे 9 लोगों के परिवार में से इकलौती एक लड़की बचती है। और यहाँ पे जेंडर की बात नहीं हो रही है, लेकिन लड़का हो या लड़की किसी भी जेंडर, सबके लिए वो समय बहुत मुश्किल था। और हम लोगों के लिए और भी मुश्किल इसलिए था क्योंकि हम फोन पे सुन रहे हैं और चीजें वैसी हो गई। सताक्षी का जब कॉल, मुझे तो एक दिन तक थोड़ी सी स्थिति ऐसी थी कि बहुत मुश्किल था। देन सताक्षी एक हफ्ते बाद हमें कॉल करके बोलती है कि सर अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो आप प्लीज बताइएगा। ऐसे कई सारी स्टोरीज रही हैं और बस मैं इतना ही कहूंगा कि कैसे हम काम करते रहे। हाँ रितेश जी, बस एक मिनट, मुश्किल मुश्किल 30 सेकंड और लूंगा। मैं समझ रहा हूँ कि समय की सीमा है। अब तो देखिए मेरे पीछे गए, अब जो पर्दा है इसने भी कह दिया कि हर्ष भाई अब रुक जाओ। बस मैं इतना ही कहूंगा कि मैं कैसे आगे बढ़ा और मैं क्यों आगे काम करता रहा। कई सारे लोगों को मैंने बताया भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमारे दोस्तों की मेरे साथ जो टीम काम कर रही थी, उन्होंने बहुत गोपनीय तरीके से काम कर रहा, उनका कहना था कि हम काम कर रहे हैं, हम दिखाना नहीं चाहते। यह मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन वाली चीज थी, मुझे काफी सीखने को मिला। और आखिरी बस इतना कहूंगा कि भगवान न करे ऐसा समय दोबारा दे, लेकिन अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है, वैसे तो होना, और अगर होता है तो मुझे इतना विश्वास है कि कई सारे संगठन, कई सारे सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन व अन्य कई लोग एक मंच पे एक तरह दिखेंगे, बिना किसी रंग रूप जाति किसी धर्म भेदभाव के, सब एक साथ मानवता के साथ दिखेंगे। और बस आखिरी में मुझे मशगूल सुल्तानपुरी साहब की एक लाइन याद आ रही है, क्योंकि फूड डोनेशन जब शुरू किया था तो मैं अकेला था उस टाइम पे। धीरे धीरे फूड डोनेशन से हम यहाँ तक ऑक्सीजन सिलेंडर बेड्स और रेमडेसिविर जी जब हमने नीड्स पूरी करी, तो कई सारी सक्सेस स्टोरीज भी आई हमारे पास। हम कम से कम 800-900 लोगों तक पहुंच पाए तो समय, उस पूरे समय में मजबूर सुल्तानपुरी साहब कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मुकाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खैर दुआ करता हूँ कि जो लोग हमारे बीच नहीं रहे उनको उनको उनकी आत्मा को शांति मिले, और सब है वो सब एक साथ मिलकर अच्छे काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि सारे लोग सुन चुके हैं, आपने बहुत विस्तार से बता ही दिया है। मैं सीधे हमारे जो आज के सेलिब्रेटर हैं, मुरारी झा जी, जो दिल्ली गवर्नमेंट में एक बतौर शिक्षक और बहुत सारी बातें हैं, उनका भी मैं बहुत संक्षिप्त में उनको आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ, चूँकि समय एकदम हम बाउंड्री लाइन पर हैं। तो आप बताएं, आपने चारों कहानी सुनी, इतने सारे लोगों से आप मिले, और आपके बारे में भी स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शानदार मंच पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। और इतने डाइवर्स बैकग्राउंड से जो हमारे साथी हैं, जिन्होंने इतनी बेहतरीन कहानियां हमें करेज की और रिजिलियंस की सुनाई है, दैट इज रियली रियली अमेजिंग। आई थिंक सारी कहानियां यही दिखाती है कि कैसे किसी भी बड़ी परेशानी से हम एक दूसरे की मदद करते हुए ही बाहर निकल पाते हैं। और व्हाट कम्स विथ मी इज की एंड परहैप्स जिस कोलैबोरेशन की आप लोग बात कर रहे हैं, आई फील कि देयर कैन नॉट बी बिगर कोलैबोरेशन देन द कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंट। तो आई लाइक वर्क इन द गवर्नमेंट, और
इस तमाम फेज में मैं भी इसका अलग तरीके से साक्षी रहा। स्कूल में मैं आजकल मेंटर टीचर के हैसियत से काम करता हूँ, लेकिन कोविड के पीरियड में हम सब एक तरीके से स्वास्थ्य कर्मी थे और मेरी भी ड्यूटी हॉस्पिटल्स में लगी हुई थी। नोडल इंचार्ज मुझे बनाया गया था एंड मैंने कोशिश की, मतलब हम लोगों का एक टारगेट रहता था कि इतने कैओस के बीच हम एटलीस्ट ये इंश्योर करें कि किसी भी व्यक्ति का जो फोन हॉस्पिटल में आता है तो दैट कैन बी अटेंडेड। तो इनफैक्ट पूरी पूरी रात हम लोगों का फोन बजता रहता था और हम कोशिश करते थे कि कम से कम हम फोन उठा लें, इससे हम बहुत कुछ कर नहीं पा रहे थे। एंड फील्ड में जब हम हॉस्पिटल में जाते थे और पेशेंट से मिलते थे तो आई रिमेम्बर एक बहुत यंग महिला थी और वो करीब 15 दिनों से अस्पताल में थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कैसी हैं, ये पूछते ही उनकी आंखों से आंसू आने लगा। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के बाद कोई व्यक्ति हॉस्पिटल आकर के उनसे पूछ रहा है कि वो कैसी हैं। अदरवाइज ये ऐसा समय था कि ना कोई रिलेटिव या ना कोई वहां पे किसी तरीके की मदद करने के लिए आ पा रहा था। तो आई वॉज मतलब कंसीडरिंग कि ये छोटी चीजें भी, कि सरकार की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव अस्पतालों में जा रहा है और रोगियों से यह भी अगर पूछ पा रहा है कि मतलब आप कैसी हैं, तो हाउ दैट वन वर्ड वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो जैसे बहुत सारा जो स्टोरीज है दवाइयां बांटने का, खाना पहुंचाने का, जो जो हमारे साथी अभी बता रहे थे, रुबेन जी, हर्ष जी, अहिंसा, दीपांत्री जी ने कैसे अपने पंचायत को मैनेज किया, उसकी शानदार कहानी बताई। हम लोग भी यहाँ स्कूलों की तरफ से लगातार खाने पहुँचाने का काम, और बाद में जब वैक्सीनेशन का काम आया तो वो अभी भी चल रहा है। बट इन बिटवीन हम ये कभी नहीं भूले कि हम लोगों का एक मेजर जो वर्क है वो एजुकेशन का रिस्पॉन्स है, वो कैसे देना है। और जब इस तरीके की परिस्थिति सामने आई तो आई वॉज लाइक कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि हम कैसे कुछ ऐसा करें जहाँ पे एक नए तरीके से सोचने समझने की जरूरत पड़े। क्योंकि जैसा कि शुरुआत में ही एक कहानी के जरिए प्रतिभा जी ने बताया था कि कैसे नदी आ जाता है और सब सोचने लग जाते हैं कि अब क्या करना है। तो हमारे जितने भी ट्रेडिशनल तरीके थे पढ़ने पढ़ाने के, बच्चों तक पहुंचने के, दोज वर नॉट वर्किंग। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैं, मेरे एक साथी हैं चंदन जी, उनके साथ मिलकर के हमने एक इनिशिएटिव लिया दैट इज कॉल्ड रीड विथ अ टीचर, टीचर्स के साथ मिल करके पढ़ना। और उसमें हमने कोशिश की कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने टीचर साथियों को शिक्षा से जुड़े हुए साहित्य जो है उसको पढ़ने के लिए एक तरीके से प्रमोट कर सके, मोटिवेट कर सके। एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग, और मुझे खुद वहां से बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा था कि शायद जो कुछ रिस्पॉन्स, कुछ नए तरीके जो हमें मिलेंगे वो उन थिंकर्स को या एजुकेशन से जुड़े हुए जो लिटरेचर है, जो कि जो क्लासरूम्स की, टीचर्स की, टेक्स्ट बुक्स की, करिकुलम्स की, बच्चों की बात कर रही है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो शायद वहां से हमें कुछ तरीके मिलेंगे। तो हमने पिछले करीब एक साल से ऐसे 14 सेशंस को आयोजित किया है और सैकड़ों शिक्षक हमारे उस प्रोग्राम में जुड़ते हैं। फेसबुक पे करीब 2000 के आसपास लोग उसको देखते हैं। और हमने तमाम तरीके के शिक्षा के जो साहित्य हैं, दैट इंक्लूड्स माइकल एप्पल को, हमने पॉल फ्रेरे को, कृष्ण कुमार को, इनको कृष्णमूर्ति को, और ऐसे तमाम राइटर्स थिंकर्स की किताबों को हमने पढ़ा है, उसके साथ इंगेज किया है। एंड जिस तरीके का ये एक रेस्पॉन्स मतलब हमारे सिस्टम में देखने को मिला है, दैट हैज बीन अमेजिंग टू द एक्सटेंट। मैं कल ही किसी से ये कहानी शेयर कर रहा था कि मुझे नहीं लगता है कि ये कॉज हो सकता है, बट इट कैन बी कोइंसिडेंटल कि हमारे डिपार्टमेंट ने हम सभी मेंटर टीचर्स को, हम लोग करीब 250 लोग हैं जो 60,000 के आसपास शिक्षकों के साथ काम करते हैं, और करीब हमारे 150 ऑफिशियल्स हैं, इन सबको करीब करीब 20,000 रुपए की किताब खरीदने की छूट दी है कि आप अपने मर्जी से अपने पसंद का किताब खरीदें हर व्यक्ति के लिए। तो हम सबके पास एक जबरदस्त, आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ 60-70 किताबों का उसी फंड से मैंने किताबें ली है, और करीब 400 ऑफिशियल्स के पास इस तरीके की किताबें। तो आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कैसे एक छोटे से इनिशिएटिव को डिपार्टमेंट किस तरीके से एक्सटेंड करता है। तो नाउ वी हैव द पावर कि हम स्कूलों में जाते हैं, हम टीचर्स को किताब दे सकते हैं कि आप इस किताब को पढ़िए, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि कोविड ने जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को रख दिया था, सोचने पे मजबूर किया था कि हम कैसे एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स डिजाइन कर पाए अपने बच्चों तक
बेहतर तरीके से पहुंचने के लिए, जिसमें मुझे लगा कि एजुकेशनल लिटरेचर मुझे बहुत मदद करेगा हम सभी शिक्षकों को, जहां पे हम रीड विद ए टीचर को लेकर के आए थे एंड इट इज गोइंग ऑन, और इसका बहुत जबरदस्त सहयोग दिल्ली सरकार का जो शिक्षा विभाग है उसके उसके तरफ से भी हम लोगों को मिला था. तो दैट इज वन स्टोरी यू नो व्हिच आई फाइंड इज वर्थ नोटिंग, वर्थ शेयरिंग विद ऑल द फेनोमेनल पीपल हु आर हियर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. And it was really exhilarating to hear these stories from across the country. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका. और जैसे बैकग्राउंड में काफ़ी बात हो रही थी कि आप काफ़ी इंस्पायरिंग हैं, और हम जब बात कर रहे थे तो डेफिनेटली वो देखने को भी मिला कि काफ़ी आपका मैं पढ़ भी रहा था, तो चूंकि मुझे बहुत कम समय में ज़्यादा साझा करना था. पर बहरहाल थैंक यू वेरी मच सभी को, सभी ने बहुत अच्छा जो हम बात कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ सीखना, एक दूसरे के साथ समझना, असल में ये जो स्पेस जिसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत गांवों से भी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, जितना मैं देख पा रहा हूँ, रूरल इंडिया, मेट्रो इंडिया, कौन सा इंडिया, कौन सी दुनिया, सब एक साथ है इस जगह पे. यही यही वो स्पेस है जिसको हम एक दूसरे से सीखने सिखाने का स्पेस बोलते हैं, एक दूसरे के साथ आने का स्पेस बोलते हैं, इंस्पायर करने का, इंस्पायर होने का स्पेस बोलते हैं, स्ट्रेंथ जो है टुगेदरनेस की उसको महसूस करने का हम स्पेस बोलते हैं. तो शुक्रिया सभी को. और मुझे मेरी स्टोरी भी शेयर करनी थी, तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि मेरी स्टोरी में बस इतना ही है कि उस समय इंसान की कीमत, जान की कीमत के लिए जो अदा करना पड़ा वो हमने किया, हमारी टीम ने किया मिलके. इसके अलावा और कोई स्टोरी नहीं है. बस वो उसमें रात भी शामिल है, दिन भी शामिल है, भूख भी शामिल है, खाली पेट भी शामिल है, सब चीज़ें शामिल है. मतलब इतना ही कि जान की कीमत के बदले जो हम दे सकते थे, जो हम अपने तरफ से चुका सकते थे, वो हमने चुकाने की कोशिश करी सारे साथियों ने. और उसी समय महसूस हुआ कि दुनिया साथ से चलती है, अलग होके नहीं चला जा सकता. और शायद अलग होके अगर चला भी जा सकता है तो पता नहीं वो दुनिया कैसी है फिर, जहाँ पे लोग अलग चलते हैं. तो शुक्रिया, धन्यवाद सभी का, हमारे साथियों का, हर्ष भाई का, दीपांतरी जी का, अरुण भाई का, रुबीन का, मुरारी जी का, नदीम भाई जो हमें कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और बहुत सारे अहिंसा के साथी, मोहित, दिनेश भाई, सोलंग, बहुत सारे लोग हैं, पूजा, नाम लेना बहुत मुश्किल है, अदिति, और बहुत सारे लोग हैं. तो हम मेन रूम में